दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक पुरानी मस्जिद को देखने के लिए। सीधे रास्ते पर चांद शाहवली की दरगाह थी और लेफ्ट वाले रास्ते पर एक मस्जिद है बनी हुई। तो ये देखिए अब हम इस मस्जिद के पास आ गए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैठन में और पैठन में यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद है तो वही देखने के लिए आए, लेकिन रास्ते में हमें कुछ यहाँ पर एक पत्थर का कुछ बना हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, तो हम इसे देखते हैं। और ठीक मेरे सामने यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद, तो इसकी हम मौजूदा हालात देखेंगे कैसी है ये। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों इस मस्जिद का जो एंट्रेंस है ये काफ़ी छोटा है और उसके जो हालत है आप देख सकते हैं। इस मस्जिद को कोट की मस्जिद कहते हैं, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं ये किस तरह है। अपने माजी में बेहद खूबसूरत रही होगी ये मस्जिद, लेकिन आज इसके हालात आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर की आधी छत गिरी हुई है। पूरी पत्थर से बनी हुई ये मस्जिद, और इसके हम देखेंगे तो इसके चारों ओर एक कंपाउंड वॉल दीवार का बना हुआ है और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है और यहाँ पे काफ़ी पुरानी कब्रें भी और नई कब्रें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके चारों ओर वॉल है, आइए भी हम अंदर जाते हैं। इसके मस्जिद के दीवारों के ऊपर यहाँ पे अरबी में कुछ लिखा हुआ है। तो ये है वो मस्जिद, इसका मिंबर। बेहद बड़ी और पुरानी मस्जिद, लेकिन इसके हालात कुछ इस तरह है। आधा छत इसका गिर चुका है और आधा गिरने के कगार के ऊपर है, देख सकते हैं। लकड़ी के सपोर्ट की वजह से ये बचा हुआ है, अदरवाइज ये भी गिर जाता। मस्जिद ईंट चूना और पत्थर और चूने में बनी हुई है ये। दोस्तों मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है और पुरानी है, लेकिन आधी टूट चुकी है, इसे मरम्मत की ज़रूरत है वरना ये अतीत बन के रह जाएंगी कि माजी में एक मस्जिद यहाँ पे हुआ करती थी बोलकर। एक खूबसूरत मस्जिद की जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत है इस मस्जिद की। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन है जो कि पूरा गिर चुका है, अब सिर्फ पत्थर और लकड़ी का मलबा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
दोस्तों इस मस्जिद को हम पीछे से देखेंगे। मस्जिद की दीवारें, जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्थर और चूने से बनी हुई है। और ये इसके पीछे का हिस्सा, पीछे से कुछ इस तरह ये मस्जिद। ये एक जंगल के अंदर बनी हुई है। और दोस्तों ये जो जंगल है, तो ये पहले तो सातवाहन कालीन यहाँ पे घर आते, ये इस जंगल के अंदर पेड़ों के अंदर हमें ऐसे घरों के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे झाड़ियों के अंदर, तो यहाँ पे ईंट और चूने से बना हुआ कुछ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने ये मस्जिद देखी अंदर से, पीछे से, जो कि बेहद खूबसूरत है और अपने माजी में तो बेहद खूबसूरत रही होंगी, जो कि एक सुनसान जंगल के अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।